दारू पीने के लिए रुपए नहीं देने पर मनबड़ों ने गगा थाना क्षेत्र के हाटा बाजार में पशु चिकित्सक पर गोली चला दी। गनीमत थी कि गोली पशु चिकित्सक को नहीं लगी। उन्होंने बाजार में मौजूद लोगों के सहयोग से एक आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब हो गए, जिसमें से एक अन्य को गगा पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। गगा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव निवासी अजीत यादव पुत्र सिंहासन यादव एक पशु चिकित्सक हैं। बुधवार की दोपहर को हाटा बाजार स्थित अपने भाई के मेडिकल स्टोर से वह घर लौट रहे थे। गनगरी पुलिया से पहले स्थित घेवरपार मार्ग पर बाइक सवार 4 युवकों ने पशु चिकित्सक को रोका और शराब के लिए रुपए मांगने लगे। उन्होंने कहा कि शराब के लिए रुपए नहीं देंगे, चलो फुल्की खा लो। रुपए देने से मना करने पर चारों युवक उलझ गए और मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक युवक ने पिस्टल निकालकर पशु चिकित्सक पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही, गोली उन्हें लगी नहीं। मारपीट की सूचना पाकर अजीत के भाई अमित अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान आरोपितों ने दूसरी गोली चला दी। संयोग रहा कि यह गोली भी किसी को नहीं लगी। भीड़ जुटने पर आरोपित बाइक से भाग निकले, जबकि एक को अमित व अजीत ने अन्य लोगों के सहयोग से दौड़ा कर पकड़ लिया। उसके पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया। इस बारे में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि वादी की तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें से कृष्ण मोहन उर्फ भोलू यादव और संत देव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी बचे 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इनके पास से नाजायज असलहे भी बरामद हुए हैं। मौके से खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, आज थाना गगहा क्षेत्र के रियाओं मोड़ के पास दोपहर बाद फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। फायरिंग करने वाले एक व्यक्ति को मौके से ही पब्लिक और पुलिस ने घेर करके पकड़ लिया। शेष 3 भागने में सफल रहे। वादी की तहरीर पर थाना गगहा में 4 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त कृष्ण मोहन उर्फ भोलू यादव और दूसरा संतदेव, इनकी गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। शेष 2 की तलाश जारी है। इनके पास से नाजायज असलहे भी बरामद हुए हैं। मौके से खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस अभियोग दर्ज करने के बाद इनकी गिरफ्तारी वो अन्य विधिक कार्यवाही कर रही है। हमारी टीमें 2 अभियुक्तों की तलाश में अभी भी क्षेत्र में बनी हुई है।